हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं फ्रेंड्स आप सब? शायद सब अच्छे होंगे, है ना? और अच्छे होना भी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज मैं ये जो वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ये आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप शुरू से लेके एंड तक ज़रूर देखें, ताकि आप लोगों को सकुलेंट के बारे में और भी नॉलेज बढ़ जाए और आप लोगों को ये भी पता चले कि कैसे सकुलेंट को हैंडल करना चाहिए, या जैसे कोई डबल हेडेड जो सकुलेंट होते हैं उसको आप कैसे सेपरेट कर सकते हैं। और आज ये जो आप फ्लावर देख रहे हैं मेरी सकुलेंट के ऊपर, ये जो सारे फ्लावर हुई है, ये फ्लावर के जो स्टक है, मैं आज ये सारे कट करके सॉइल में लगाऊंगी, ताकि आप ये भी जान सके कि क्या इससे कोई दूसरा सकुलेंट हम बना सकते हैं। और ये जो आप प्लांट देख रहे हैं, ये भी देखिए डबल हेडेड है, तो इस प्लांट को आप कैसे सेपरेट करेंगे और किस हिसाब से इसको कट करना है या क्या करना है, वो भी हम इस वीडियो में बताएंगे। तो फ्रेंड्स, पहले ये जो प्लांट है इसको हम पॉट से निकाल लेते हैं, और साथ ही साथ जो फ्लावर स्टक है उनको भी हम काट लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारे ये जो फ्लावर का स्टक या स्टेम है ये काट लिया है, और ये देखिए इसके जो ये छोटे छोटे जो लीफ है, इसको हम इस हिसाब से इसको हटा देंगे, ताकि ये जो इस लीफ का जो पॉइंट है वहाँ से एक्चुअल में हमेशा जो रूट होती है वो स्टार्ट होते हैं निकलना। तो इसी वजह से हम इसको ऐसे काट के, और जो दो तीन मैंने लीफ निकाल लिया है वहाँ तक इसको सॉइल में डाल देंगे, लगा देंगे, ताकि इससे भी अगर रूटिंग होगा तो हम एक नए प्लांट इसमें से हमें मिल पाएगा। तो इस हिसाब से हम इस फ्लावर स्टॉक को लगाएंगे और देखेंगे कि इससे कोई रूटिंग स्टार्ट होती है कि नहीं है, तो वो भी मैं आप लोगों को इसके बारे में बताऊंगी और शेयर करूंगी। और इसको मिनिमम 15 से 20 दिन ऐसे सॉइल में लगा के रखना पड़ेगा, तभी इसमें से शायद रूट निकल आएंगे। तो फ्रेंड्स, इस हिसाब से आप ये जो इसके जो लीफ है इसको आप ऐसे तोड़ के फिर इसको लगाइए सॉइल में, अगर आपके सकुलेंट में ऐसे फ्लावर आता है तो, ताकि आप कोई नया प्लांट इससे और डेवलप हो सकता है। तो इस हिसाब से आप इसको ऐसे निकाल के फिर इसको यहाँ तक सॉइल में आप लगा देंगे। तो फ्रेंड्स, पहले हम ये सारे सॉइल में लगा लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हम ऐसे करके सारे स्टेम को सॉइल में लगा लेंगे, और ये जो मैंने सॉइल में जो फ्लावर के स्टक लगाया है, ये सारे स्टेम और पॉट जो है ये हम कोई शेडी एरिया में रखेंगे, और टाइम टू टाइम इनको थोड़ा सा वाटर स्प्रे करते रहेंगे, ताकि ये जो सॉइल है इनका ये थोड़ा सा मॉइस्ट रहे, ताकि इसमें से रूटिंग आसानी से आ सके। तो फ्रेंड्स, इस हिसाब से आप इसको कोई शेडी एरिया में रखेंगे। और आइए अब हम प्लांट को पहले पॉट से निकालते हैं, फिर इसके बारे में बात करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये प्लांट को पॉट से निकाल लिया है, और इसके नीचे जो सारे डेड लीव्स है इनको हम अच्छे से साफ़ कर लेंगे, और इसका जो सॉइल है वो हम बहुत ही सॉफ्ट हैंड से इसको लूज़ करते रहेंगे, ताकि इनके जो रूट सिस्टम है उनको वो बिल्कुल भी कोई हार्म ना पहुँचे। इसी वजह से हम बहुत स्लोली इस सॉइल को हटाएंगे और पूरे जो रूट सिस्टम है इनका उसको हम निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए पहले हम ये सॉइल निकाल लेते हैं। और फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने ये सारे सॉइल हटा लिया है, और इनका सारा रूट अब दिख रहे हैं, और आप देख सकते हैं कि बीच में से इनका जो रूट है वो इक्वली जो प्लांट के बीच में जगह बनी हुई है, हम वहाँ से एक कोई नाइफ लेंगे शार्प, ताकि इजीली हम अच्छे से इसको बीच में से कट लगा सके, ताकि ये जो प्लांट है इन दोनों प्लांट में रूट बराबरी आ जाए, ताकि ये प्लांट में बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम ना हो।
फ्रेंड्स, ये हम इसके बीच में से देखिए कट कर लिया है और अब धीरे धीरे इन दोनों प्लांट को मैं सेपरेट करूँगी ताकि इसके जो रूट है वो दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए और प्लांट के जो जो थिक स्टेम होती है वो उसके साथ जो रूट होते हैं वो रह जाए। तो इस हिसाब से हम इसको, ये देखिए फ्रेंड्स, इसको मैंने सेपरेट कर लिया है और इसमें भी काफ़ी रूट है जो कि आप देख सकते हैं कि प्लांट के जो बीज जो स्टेम होते हैं उसके साथ ही है और इस प्लांट के भी बहुत सारे रूट इसमें हैं और ये ऑलरेडी का सेपरेटेड हो गए हैं। लेकिन कई बार क्या होते हैं फ्रेंड्स के जो रूट होते हैं उन दोनों प्लांट में इक्वली नहीं होते हैं, तो उस टाइम आप इसके जो स्टेम से जो रूट शुरू होती है वहाँ से अगर वो कट भी जाते हैं तो आप सॉइल में लगाएंगे तो आपके प्लांट में नए रूटिंग शुरू हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने इस हिसाब से इनको सेपरेट कर लिया है, अब इनको मैं पॉट में लगाऊंगी। तो फ्रेंड्स, मैंने दोनों प्लांट को पॉट में लगा लिया है और आप मेरे पास एक ही प्लांट के दो प्लांट बन गया है। तो आप इस हिसाब से अपने प्लांट, जो भी आपको डबल हेडेड कोई प्लांट मिलता है तो आप इस हिसाब से उनको सेपरेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही हेल्प होगा आप लोगों को और आप अपने प्लांट को इस हिसाब से सेपरेट कर पाएंगे, इस हिसाब से उनका केयर कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर ये मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जो न्यू व्यूअर है प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लेकिन साथ ही साथ आप मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए कि मेरी वीडियो से आप लोगों को कोई हेल्प मिलती है कि नहीं और आप लोगों को कौन सी तरह का हेल्प चाहिए, प्लांट में कैसे केयर करना है या क्या आप लोगों को अच्छा लगता है तो मेरे साथ तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आज मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करूँगी, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।